शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड़की तुम्हारे घर के अंदर थी, मैंने तो कभी नहीं देखा सर, कौन है ये? अब एक सेकंड, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। अब आशी, ये तो आशी के बारे में पूछ रहे। नहीं चाहते जब लड़के वाले घर आए तुम अपनी शक्ल उन्हें दिखाओ। काकी, काकी अपनी तो है ना। कौन हो बेटा तुम, बोलो कौन हो? हे, सॉरी सॉरी, ये तो वही लड़की है। अमृता, कौन है ये लड़की जिसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई? अमृता जी बोलिए ना, कौन है लड़की, आप ऐसे चुप क्यों हैं? बोलो ना अमृता, चुप क्यों हो? ये आशी हमारे गांव से है। अब यहां रहती है हमारे साथ, हमारे घर में। अमृता, तुम ठीक हो ना? आपको क्या परवाह है हमारी, जिए या मरे? आपको आपको क्या, आपको सिर्फ उस आशी से प्यार है और किसी की कोई परवाह नहीं है आपको। मत पूछिए, ये छोटी तसल्ली मत दिखाइए। ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ, क्या बताओ ना। हमने आपसे साफ साफ कहा था उसको हमारी बेटी की शादी से दूर रखिए। हम नहीं चाहते कि उसका साया भी हमारी बेटी की शादी पर पड़े। और आपने क्या किया, आपने हमारी एक नहीं सुनी। वो आशी जो बोलती है बस वही करते हैं, और किसी की ना सुनते हैं, ना किसी की कोई बात समझते हैं। ना देख लिया ना, उसका साया हमारी बेटी की शादी पर पड़ा और सब अनर्थ हो गया। अमृता, तुम क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? और बाप, क्यों पड़ी रहती हो? आज क्या हुआ देखा ना आपने। सच्चाई हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम चाहती हो कि वो शादी से दूर रहे। तुम ये चाहती हो कि वो किसी के सामने ना आए और तुम्हें लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े कि आशी कौन है ना। तुम क्यों सबसे छुपाना चाहती हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि वो हमारी बहू है। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में राय बनाएं कि हमने हमारी जिद की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, और जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती, वो तुम्हें एक आंख नहीं भाती, लेकिन तुम भी इंसान हो ना, थोड़ी अपनी इंसानियत ही दिखा दो। अपनी नफरत को साइड में रखकर एक बार सोचो कि आज उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उसने आग में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरे वो लड़की क्या कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए। और हाँ, अगर आज आशी तुम्हें नहीं बचाती ना, तो तुम यूं हमारे सामने सही सलामत नहीं होती, समझी? करता
इसे। विकास सिद्ध वहाँ पे सब ठीक है ना? हम विद्या का स्टेटस देखे, वहाँ पे आग लगी थी क्या? हाँ लेकिन सब ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। और आशी ठीक है ना? तो देखे हम वीडियो में कि तुम आशी को बचाने के लिए कैसे अपनी जान पे खेल गए। पता है सिद्ध, हमको एकदम मूवी का सीन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए कैसे आग में कूद गया। विकास मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है ध्यान रखना अपना। यहाँ तुम ठीक तो हो ना सर? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे किसी गैर के लिए आग में कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरा मतलब है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो गीत का क्या होता? याद है ना हमारी शादी होने वाली है, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हक है, तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। गीत मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल करने हैं, मैं आता हूँ, तुम अंदर जाओ। किसी गैर के लिए आग में कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? याद है ना हमारी शादी होने वाली है, सिद्ध बेटा थैंक यू सो मच, तुमने आज अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी आशी की जान बचाई। उसके लिए जितनी बार भी थैंक्स बोले ना कम है बेटा। आप भी तो आग में कूदे थे, आपने भी तो अपनी जान जोखिम में डाली। हाँ बेटा, क्या है कि जिससे दिल का रिश्ता होता है ना उसके लिए एक बार तो क्या हजार बार भी आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। और हाँ अगर कभी नौबत आए तो आप अपनी जान दे भी सकते हैं। आप दिल के रिश्ते के लिए कूदे, मैं इंसानियत के। ये मैं ऑइंटमेंट लाया था, मेरा हाथ जल गया ना, देखो। नहीं नहीं अंकल रहने दीजिए, जिंदगी तो ना जाने कितने बड़े बड़े पंचेस देती है, इतनी जल्दी कोई नॉकआउट नहीं होता। देखा मुझे नहीं खेलना है खेल। अच्छा बेटा एक पंच लगा तो खेल बंद। बच्चे जिंदगी पता नहीं कितने बड़े बड़े पंच मारते हैं लाइफ में, ऐसे कोई नॉकआउट थोड़ी होता है। आप ठीक तो अंकल? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इस बात ने मुझे किसी मेरे अपने की याद दिला दी, मेरा बेटा। आपका बेटा भी बॉक्सिंग करता है? करता था, अब वो नहीं है। ये रख बेटा, ये लगा लेना। अंकल अमृता? हाँ रोहिणी, हम बिल्कुल ठीक है। अब विद्या नकुल यहाँ आओ हमारे साथ। पंडित जी आप इन दोनों की नजर उतार दीजिए, वैसे तो इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ इसलिए पूजा रखवाई थी हमने, लेकिन अब देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। ये कोई हादसा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा शुभ संकेत है भगवान का। ऐसी आग लगी और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा। कहते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा ग्रह टल गया। अब आप ये प्रसाद सब में बंटवा दीजिए। नहीं हमें दीजिए।